जंगल में किसी भी जानवर के लिए जीवित रहना आसान नहीं है। हर रोज दुश्मनों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जंगल में जानवर किस तरह शिकार करते हैं, इसकी कई घटनाएं कैमरे में कैद हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एनिमल फाइट्स के कुछ रोचक वीडियो क्लिप्स आपके लिए लेकर आए हैं। ये सभी क्लिप्स देखकर यकीनन आपको भी काफी हैरानी होगी। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, कुदरत ने हर जानवर को उसकी रक्षा के लिए कुछ खास ताकत दी है। सींगों वाला ये हिरण तालाब से पानी पी रहा होता है और तभी एक शेरनी इस पर हमला कर देती है। अक्सर एक ही बार में हिरण हार मान जाते हैं, लेकिन इस हिरण को अपनी जान प्यारी होती है। वो अपने सींगों से शेरनी पर पलटवार करती है और ये ऐसा पलटवार करती है कि शेरनी बचकर पानी के भीतर भाग जाती है। शेरनी को ये हिरण अच्छा सबक सिखाता है। शायद इसके बाद शेरनी कभी भी सींगों वाले हिरण पर वार करने के बारे में नहीं सोचेगी। दोस्तों, तीन तेंदुए मिलकर एक हनी बैजर पर हमला करते हैं। बैजर बिल में रहने वाला एक जानवर होता है जिसके माथे पर काले और सफेद रंग की धारियां बनी होती हैं। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से काटते हैं, लेकिन आमतौर पर बिल के अंदर रहना ही ये पसंद करते हैं। एक बैजर का तीन तेंदुओं से आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर वैसे तो तेंदुए की जीत पक्की मानी जा रही है कि तभी उल्टी गंगा बहती नजर आती है। बैजर इन तीन तेंदुए से लड़ने की ठान लेता है और अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करता है। बैजर को उठ खड़ा देख तीनों तेंदुए डर जाते हैं और ऐसा लगता है मानो उनकी हालत खराब हो रही हो। थोड़ी देर बाद बैजर आराम से शाही अंदाज में वहां से चला जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग क्रोकोडाइल को सुस्त जानवर समझते हैं, लेकिन जब ये अटैकिंग मोड में आते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। मगरमच्छ अक्सर बर्ड्स को अपना शिकार बनाते हैं और मगरमच्छ ये शिकार इतनी तेजी से करते हैं कि कैमरे में इन्हें कैद करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ सीन्स फिर भी कैमरे में कैद हो जाते हैं। ये मगरमच्छ पक्षियों के झुंड के पास जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ के आते ही सारे पक्षी हवा में उड़ जाते हैं। मगरमच्छ एक पक्षी का पंख पकड़ने में थोड़ा सा कामयाब होता नजर आता है, लेकिन पक्षी की किस्मत अच्छी होती है कि वो मगरमच्छ के चंगुल से बचकर निकल जाता है। दोस्तों, इस दूसरे सीन में भी ग्रीन बर्ड मगरमच्छ का शिकार बनने से बच जाता है, लेकिन हर बार पक्षी की किस्मत अच्छी नहीं होती। क्रोकोडाइल हर बार पक्षी को जाने नहीं देता। कैसे ये पक्षियों को अपना शिकार बनाता है? आप शायद इतनी देर में अपनी पलक भी नहीं झपका पाएंगे जितनी देर में क्रोकोडाइल पक्षी का शिकार भी कर लेता है। पानी के भीतर से ही ये जंप लगाकर अपना शिकार करते हैं। ये क्लिप एक महिला ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की थी। घर के आंगन में दो गूस अपने बच्चों के साथ रह रहे होते हैं कि तभी एक लोमड़ी वहां आ जाती है। लोमड़ी अपनी चालाकी के कारण ही जानी जाती है। वो गूस के बच्चों पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों के माता पिता यानी मेल गूस और फीमेल गूस दोनों अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये अक्सर अपने पंख फैलाकर दुश्मन को चेतावनी देते हैं, मानो ये दोनों लोमड़ी से कह रहे हों कि बच्चों तक पहुंचने से पहले हमसे टकराना होगा। और तब लोमड़ी को लगता है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो वो यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझती है। दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत मजेदार है। देखिए कैसे ये ईगल एक तेंदुए के सिर पर अपने पंजों से अटैक करती हुई जाती है। तेंदुआ कुछ समझ पाता इससे पहले ही ईगल दोबारा ऊंचे आसमान में उड़ान भर लेती है। असल में तेंदुए की नजर ईगल के घोंसले पर होती है और इसीलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए ईगल ऐसा करती है। दोस्तों, कई बार स्कूल में आपने मजाक में ऐसे अपने साथी के सिर पर भी जरूर किया होगा। नेवले और सांप की लड़ाई के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब जरा नेवले और मछली का आमना सामना होते देख लीजिए। ये नेवला काफी देर तक पानी के किनारे बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही एक मछली किनारे पर आती है, नेवला बिना कोई गलती किए मछली पर अटैक कर देता है और अपने मुंह में मछली को फंसा कर ले जाता है। और अगर आप नेवले और सांप की ही जंग देखना चाहते हैं तो ये क्लिप देख लीजिए। नेवले की नजर पेड़ पर बैठे सांप पर पड़ जाती है। नेवला एक लंबी छलांग लगाता है और सांप को गर्दन से पकड़कर नीचे खींच लेता है। सांप को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता और एक ही वार में वो सांप को घायल कर देता है। इसके बाद झाड़ियों में ले जाकर ये आराम से अपना भोजन करता है। जमी हुई झील पर लोमड़ी और नॉटरिया की लड़ाई आप देख लीजिए। नॉटरिया समुद्री चूहे की एक प्रजाति को कहते हैं। लोमड़ी इस चूहे को अपना शिकार बनाना चाहती है। पहले तो लोमड़ी इसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन नॉटरिया भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नॉटरिया इसमें कामयाब नहीं हो पाता। अंत में लोमड़ी नॉटरिया के सिर पर वार करने में कामयाब हो जाती है और उसे घसीट कर झाड़ियों में ले जाती है। बेचारे नॉटरिया के जीवन में शायद इसी प्रकार का अंत लिखा था।
तीन कुत्ते मिलकर एक घोड़े पर भौंक रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कुत्ते किसी भी तरह करके घोड़े की पीठ पर सवार होना चाहते हैं। लेकिन घोड़े के आगे कुत्ते कैसे जीत सकते हैं। घोड़ा एक कुत्ते को लात मारता है और कुत्ता थोड़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद तीनों कुत्ते शांत हो जाते हैं। दोस्तों इसे देख के बचपन की याद जरूर ताजा हो गई होगी, जब सभी भाई बहन आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन माता पिता जब एक डांट लगाते हैं तो बाकी बच्चे भी अपने आप शांत हो जाते हैं। पग कुत्ते की एक प्रजाति होती है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये मासूम पग शायद नहीं जानता कि घोड़े की पिछली टांगों के साथ कभी मस्ती नहीं करनी चाहिए। घोड़े की एक लात लगते ही इस पग की सारी मस्ती निकल गई और एक सबक भी इसे मिल गया। और ये बात सिर्फ इस कुत्ते पर ही लागू नहीं होती, बल्कि जो कोई भी घोड़े को पीछे से परेशान करने की कोशिश करता है घोड़ा उसके साथ ऐसा ही करता है। देखिए कैसे सुअर को भी घोड़े ने दूर भगाया। घोड़े के अलावा गाय और भैंस भी इसी तरह से व्यवहार करते हैं। जो बेवजह इन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं उन्हें लात मारकर पीछे भगाते हैं। ये पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, बस सीधे वार कर देते हैं। जंगल में हर जानवर को पल पल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करना पड़ता है, कमजोर जानवर को बचने के लिए और शिकारी जानवर को शिकार करने के लिए। शेरों का एक झुंड इस भैंस पर अटैक करने की कोशिश करता है। भैंस को बचने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाता, यह अपने सींगों की मदद से खुद का बचाव करने की कोशिश भी करता है। इस भैंस को हराने में शेरों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद भैंस हार मान जाता है और शेरों की जीत हो जाती है। मॉनिटर लिजार्ड छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है, इसलिए इन्हें बिग लिजार्ड या ड्रैगन भी कहा जाता है। ये ड्रैगन्स कभी भी अपने शिकार को बचकर नहीं जाने देती। वहीं दूसरी ओर बकरी बहुत साधारण प्राणी मानी जाती है। ड्रैगन और बकरी की मुलाकात हो जाती है और बकरी को देखते ही मानो ड्रैगन के मुंह में पानी आ जाता है। वो बकरी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बकरी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। मॉनिटर लिजार्ड भी बकरी के पीछे पीछे भागता है। ये अन्य छिपकलियों की तरह सुस्त नहीं होते। बहुत देर तक बकरी और मॉनिटर लिजार्ड के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी रहता है, लेकिन अंत में ड्रैगन की जीत होती है। वो बकरी को पकड़ लेता है और आराम से अपना पेट भरता है। ये बकरा जंगल में शेरनी से जान बचाकर भाग रहा होता है कि अचानक रास्ते में इसे मगरमच्छ मिल जाता है और ये न चाहते हुए भी बीच में फंस जाता है। इतनी देर में यह कुछ सोच पाता कि तभी शेरनी इस पर अटैक कर देती है। शेरनी को देखते ही मगरमच्छ वहां से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन बेचारे बकरे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों कई बार छोटे शिकार को पकड़ना शेर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शेर की भागने की रफ्तार थोड़ी कम होती है। इस हिरण के पीछे शेर भाग रहा होता है, लेकिन हिरण को आइडिया नहीं होता कि आगे शेरनियों का झुंड भी मौजूद है। सभी शेरनी मिलकर हिरण पर लपक पड़ती हैं और हिरण की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन शेर तो आखिर शेर है और ये हिरण शेर का ही शिकार था। शेरनियों के झुंड में घुसकर शेर अपने शिकार को वापस ले आता है। अंत में देखिए कैसे एक मगरमच्छ जंगली कुत्ते का शिकार करता है। जंगली कुत्ते का पूरा झुंड तालाब के पास आता है। मगरमच्छ को लगता है आज तो अच्छी दावत खाने को मिलेगी। वो पानी से बाहर निकलकर एक कुत्ते पर अटैक करता है। बाकी कुत्ते बस खड़े देखते रह जाते हैं और मगरमच्छ कुत्ते को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। तो दोस्तों ये थी जंगली जानवरों की लड़ाई की कुछ रोचक क्लिप्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको इनमें से सबसे अच्छी फाइट किन जानवरों के बीच की लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।